हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अवर 13 प्रैक्टिस सेट ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज यूजफुल इन JRF, SRF, नेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, रियल वेज एंड मनी वेज। तो रियल वेज और मनी वेज में डिफरेंस जो है, द फार्मर इज वाइडर कॉन्सेप्ट एंड द लेटर। मतलब रियल वेज जो है वो फार्मर है और जो मनी वेज है वो लेटर है। तो दोनों का जो रियल वेज होती है, एक्चुअल जो पे किया जाता है लेबर को फॉर हिज वर्क, एंड मनी वेज जो होती है जो एज ए मॉनिटरी या एज ए फिजिकल जो पे किया जाता है उसके सर्विस पे, उसे मनी वेज बोलते हैं। तो जो उसका करेक्ट ऑप्शन है, द फार्मर इज ए वाइडर कॉन्सेप्ट देन द लेटर। सेकंड क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी रेंट मीन। क्वासी रेंट्स मीन्स द रिटर्न टू ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज फिक्स्ड इन सप्लाई इन द शॉर्ट पीरियड। तो क्वासी रेंट थ्योरी जो थी वो डेविड रिकॉर्डर ने दिया था, और जो इसका जो डिफरेंस होता है, ये इसका जो मीन्स होता है, ये जो फैक्टर प्रोडक्शन में जो फिक्स्ड सप्लाई की जाती है और इनपुट की शॉर्ट पीरियड के लिए, उसे ही क्वासी रेंट बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द रिटर्न टू ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज फिक्स्ड इन सप्लाई इन द शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड। शॉर्ट रिटर्न जो होता है शॉर्ट पीरियड के लिए प्रोडक्शन फंक्शन में फिक्स्ड होता है, उसे ही क्वासी रेंट बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाज फर्स्टली फॉर्मुलेटेड इन द कम्प्लीट फॉर्म बाई। तो JV क्लार्क थे, उन्होंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को दिया था। फिफ्थ क्वेश्चन, द आयरन लॉ ऑफ वेज इज। तो आयरन वेज लॉ जो है वो सब्स्टिट्यूट थ्योरी ऑफ वेज है। एज ए सब्स्टिट्यूट के रूप में उसको रखा जाता है, जैसे डिफरेंट टाइप के लेबर हैं वो सब्स्टिट्यूट के रूप में अगर पाए जाते हैं तो उसे आयरन लॉ ऑफ वेज बोलते हैं। सिक्स क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नाइट प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर। तो प्रोफेसर नाइट के अनुसार प्रॉफिट जो रिवार्ड है वो अनसर्टेनिटी बियरिंग। प्रॉफिट जो होता है हम लोग गेन करते हैं जब हम लोग रिस्क उठाते हैं, और रिस्क जो है वो किसके अंतर्गत आता है, वो अनसर्टेनिटी के कारण आता है। तो जिसको अनसर्टेनिटी मीन्स जिसका कोई प्रोडिक्शन ना हो, एज ए प्रोबेबिलिटी हम उसका प्रोडिक्ट ना कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग अनसर्टेनिटी बियरिंग बोलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, द अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज प्रोपाउंडेड बाई। तो F.H. नाइट थे जिन्होंने अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को दिया था। एट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द अजम्पशन ऑफ क्लार्क मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्लार्क जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें परफेक्ट कंपटीशन इंक्लूड है, कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन इंक्लूड है, कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल ये भी इंक्लूड है, बट लेबर इज हेट्रोजीनियस। लेबर जो वहाँ पे होमोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस नहीं होते। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, क्योंकि लेबर जो है इस थ्योरी में वो होमोजीनियस फॉर्म में है, ना कि हेट्रोजीनियस। तो करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन। नाइन्थ क्वेश्चन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड। जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को ही रियल थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ही इंडिकेट करती है व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट। तो दिस आल्सो नोन एज रियल थ्योरी। टेंथ क्वेश्चन, सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेज वाज यूज्ड बाय। तो सब्सिस्टेंस थ्योरी जो वेज की थी वो डेविड रिकार्डो ने दिया था। इलेवेंथ क्वेश्चन, प्रॉफिट इज आल्सो नोन एज। तो प्रॉफिट जो है वो रेसिडुअल इनकम बोलते हैं इसको, इसका कोई पहले से प्रेडिक्शन नहीं होता है, तो रेसिडुअल इनकम के अंतर्गत इसको हम लोग रखते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन, चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ अफेक्ट द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड फॉर। तो जो चेंज इंटरेस्ट रेट में जो चेंज होती है, अफेक्ट डालती है अमाउंट मनी को, वो स्पेकुलेटिव मोटी डालता है। स्पेकुलेटिव जैसे पहले से गेस कर लेना कि एज ए फ्यूचर प्राइस इंक्रीज होगा तो हम लोग उसको रिस्क उठाते हैं, तो इसी को ही स्पेकुलेटिव मोटिव बोलते हैं। 13 क्वेश्चन, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एसोसिएटेड विद। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो थी वो JB क्लार्क से एसोसिएटेड है। 14 क्वेश्चन, हु वाज कंट्रीब्यूटेड द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड। तो JR हिक्स थे, उन्होंने ही मॉडर्न थ्योरी इंटरेस्ट को दिया था। 15 क्वेश्चन, हुज नेम इज एसोसिएटेड विद द अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। तो FG नाइट थे। 16 क्वेश्चन, हु वाज सॉट टू मेजर कंज्यूमर सरप्लस विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेक्निकल। तो JR हिक्स और एलन थे जिन्होंने इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से फर्स्ट टाइम पे CS कंज्यूमर सरप्लस को मेजर किया। इंडिफरेंस कर्व होता है जब दो कमोडिटी को इंडिफरेंस कर्व डील करता है, और टू कमोडिटी सेम सेटिस्फेक्शन जब देती हैं उसी को ही इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है वो ऑर्डिनल अप्रोच के अंतर्गत आता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज JR हिक्स। 17 क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए अजम्पशन ऑफ पेरेटो ऑप्टिमिलिटी. तो एवरी कंज्यूमर विशेष टू मैक्सिमाइज हिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये अजम्पशन तो है नहीं, ये तो राइट ये अजम्पशन है नहीं. ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एवरी कमोडिटी, ये भी करेक्ट. तो इसमें ये पूछ रहा है नॉट अजम्पशन, मतलब कौन सा अजम्पशन नहीं है, और सब तो अजम्पशन ही है. कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट मेकिंग एट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल, ये भी अजम्पशन है. द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज कार्डिनल एंड कार्डिनल यूटिलिटी फंक्शन ऑफ एवरी कंज्यूमर इज गिवन. तो जो करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, ये पेरेटो ऑप्टिमिलिटी का ही कैरेक्टरिस्टिक है कि जो कार्डिनल और ऑर्डिनल से इसका वो मेजरमेंट किया जाता है. तो जो करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन. 18 क्वेश्चन, व्हेन ए फर्म्स एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू द एवरेज कास्ट इट्स गेस्ट. तो ये जब एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कास्ट मतलब इक्वल हो जाएंगी तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा. 19 क्वेश्चन, गिवन द प्राइस इफ द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज बिकॉज ऑफ हायर प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स द सप्लाई. तो जब प्राइस है प्रोडक्शन की वो इंक्रीज होगी, हायर प्राइस, जब हाई प्राइस हो जाएगी रॉ मटेरियल की तो सप्लाई जो है वो नॉर्मल सी बात है डिक्रीज होगी, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गई रॉ मटेरियल की तो सप्लाई जो है डिक्रीज होगी. 20 क्वेश्चन, अंडर प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई द मार्केट. तो जो परफेक्ट मार्केट कंपटीशन होता है वहाँ पर प्राइस का डिटर्मिनेशन है टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई से ही होता है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है. 21 क्वेश्चन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर्स डिपेंड अपॉन देयर. तो किसी मतलब सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है पर इनकम, पर कैपिटा इनकम से ही मेजर करते हैं. तो इधर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो रियल वेज है, मतलब एक्चुअल उनकी वेज क्या है मिल रही है उसी के ऊपर उनका डिपेंड करेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. 22 क्वेश्चन, अंडर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी रिवार्ड फॉर लेबर इज डिटरमाइंड बाई. तो जो मेजर करते हैं उसे मार्जिनल प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं. 23 क्वेश्चन, द इकोनॉमिस्ट रिकार्डो आर्ग्यूड द प्राइस वेयर बिकॉज एंड रेंट वेयर. तो प्राइस जो है इकोनॉमिक्स का वो हाई है, मतलब प्राइस हाई है और रेंट जो है लो है, ये रिकार्डो की जो प्रिंसिपल उन्होंने दे दिया उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है. अभी हम लोगों ने इसको मॉक में पूछा भी था तो वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मतलब ऑप्शन उसमें गलत हम लोगों ने मतलब एज ए टाइपिंग के समय गलत हो गया था. तो इसको आप लोग देख लीजिएगा. 23 क्वेश्चन डी, हाई एंड लो. 24 क्वेश्चन, एज फॉर द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल फार्मर द रेंट पेड बाय हिम. तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है किसी इंडिविजुअल फार्मर का वो इंटर इनटू प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट, एज ए प्राइस जो मार्केट में उसका जो प्राइस रहेगा उसी से ही उसका रेंट जो है वो डिसाइड होता है. तो 25 क्वेश्चन, ही प्रेजेंटेड ए थ्योरी ऑफ रेंट. तो डेविड रिकार्डो थे, उन्होंने थ्योरी ऑफ रेंट को प्रेजेंट किया. सो 25 का क्वेश्चन का जो हमारा आज का सीरीज था वो एंड हुआ. हम लोगों ने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, स्पेशली इकोनॉमिक्स पोर्शन का. तो BHU का भी नोटिफिकेशन अभी रिलीज हो गया, मैंने उसका ऑलरेडी 2 वीडियो डाल चुका हूँ सिलेबस का और नोटिफिकेशन का. जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज़ आप लोग BHU का फॉर्म फिलअप करिए. आपके जो जूनियर है सीनियर है ऑलरेडी मैंने एक्सटेंशन के 18 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं. इकोनॉमिक्स का 13 चल रहा है, इकोनॉमिक्स का भी मैं 20-25 करवा दूंगा जब तक 25 करवाऊँगा एग्जाम तक. और एज ए 12 क्वेश्चन से मैं 100% बता रहा हूँ कि आपके 9-10 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे अगर आप लोगों ने सब प्रैक्टिस सेट कर लिया और आपने थोड़ा सा भी पहले से पढ़ा है. तो एज ए BHU सब्सिट्यूट रूप के रूप में आप लोग रखिए ICR के साथ, वो मतलब ICR सिस्टम से BHU का जो पहली बात तो BHU की जो फी स्ट्रक्चर है 4000 to 5000 है. हॉस्टल की फीस भी उधर का जो मेस का है वो 1500 मतलब 1500 या 1600 तो बहुत लो है उधर का चार्ज. तो आप लोग प्लीज़ जो भी ICR के एस्पायरेंट्स हैं वो BHU का फॉर्म फिलअप करिए, और भी जो आपके जूनियर हैं या बैचमेट हैं उनको भी बताइए. सो आज का जो सेशन है हम लोग एंड करते हैं. जो भी आपके ओपिनियन है प्लीज़ उसे राइट डाउन करिए कमेंट सेक्शन में. सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर लिसनिंग.